वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अगर आप बर्थडे स्टेटस बनाना चाहते हो लेकिन यार आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं या फिर आप एडिटिंग करते ही नहीं हो, तो आपके लिए मैं 5 बेस्ट एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिनमें कि आप बिना एडिटिंग का बर्थडे स्टेटस बना पाओगे जस्ट 1-2 क्लिक में। ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा लिरिकली। इसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। मींस यार स्टार्टिंग में ही आपको एक ऐड दिखा दिया जाएगा। भाई देखो फ्री का एप्लीकेशन है तो ऐड तो एटलीस्ट हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 3-4 सेकंड का रहता है, कोई बात नहीं, मैंने कट कर दिया। नाउ यहाँ पे अपने बर्थडे स्टेटस क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल है। सिंपली से आप बर्थडे के ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो बर्थडे का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ना सारा बर्थडे का टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत चीज़ों का टेम्पलेट है। मीन्स अलग अलग चीज़ों का भी आप स्टेटस बना सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स का बना सकते हो एंड और भी चीज़ें। बट अगर आपको सिर्फ बर्थडे में इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप बर्थडे के ऊपर आना एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे काफी प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ एंड 3 सेकंड का एड देखने के बाद इसे कट करके जस्ट इसके अंदर में इंटर हो चुका। ओके, तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का मीन्स आपको दिखेगा। तो यूज नाउ के ऊपर आपको सिंपली सा क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट होता है, मीन्स टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आने वाला है। तो यहाँ पे हम अपना इमेज को ऐड कर सकते हैं। सो इमेज ऐड करने के लिए सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपको अपनी इमेजेस को ऐड करना होगा। अब जो इमेज आप यूज करने वाले, फॉर एग्जाम्पल इस वाले इमेज को हम यूज करने वाले। ठीक है, तो इन इमेजेस को हम जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको ना यहाँ पे दिखाएगा कि कितना इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो आप यहाँ देख सकते हो 5 इमेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड 5 का 5 इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ डन के ऊपर क्लिक कर देते तो इमेज हमारा ऐड हो चुका। नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। सो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप नेम लिख सकते हो, जिसका भी बर्थडे है उसका आप नेम लिख सकते हो। सो मैं सिंपली से यहाँ पे सुद्धू लिख रहा हूँ, मेरा भी नाम नहीं है ये। ओके, देन उसके बाद अगर आपको म्यूजिक चेंज करना है तो चेंज म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे म्यूजिक रहेंगे, ये आपके डिवाइस का म्यूजिक रहेगा एंड यहाँ पे बर्थडे के ऊपर क्लिक करोगे तो काफी सारे बर्थडे का म्यूजिक आ जाएगा। ओके, जो म्यूजिक अच्छा लगेगा आप उसे यूज कर सकते हो। फिलहाल यार ओरिजिनल वाला ही काफी सही लग रहा था तो मैं उसी का रखता हूँ। देन उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रेंडरिंग हो रहा है, मीन्स हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो देख सकते हो रेंडरिंग हो चुका है, मीन्स हो रहा है ये। जैसे ही हमारा 100% होगा स्टेटस जो होगा वो हमारा बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप था एंड हम हर एक चीज को कस्टमाइज कर पा रहे तो यार काफी सही लग रहा है। ठीक है, और आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर से बताना। सो यहाँ देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितना प्रोफेशनली लग रहा है, मीन्स काफी कमाल का लग रहा है। नाम भी हमारा आ रहा है, उसके बाद फोटोज भी आएंगे विथ नेम, हमारा फोटो आ रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको इसे कहीं शेयर करना है, जैसे कि व्हाट्सएप में अगर स्टोरी लगाना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली सा सॉरी व्हाट्सएप में स्टोरी तो नहीं लगती, मीन्स स्टेटस लगती है, तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हो। ओके, तो सिंपली से आप लगा देना, बट मेरा तो अभी कोई बर्थडे ये सब है नहीं तो मैं कट कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा होता है कंप्लीट। एंड सेकेंड एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका नाम है यार वीडियो। और देखो मैं जो भी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ ना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सभी फ्री है और आप गूगल प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, तो किसी बात की टेंशन नहीं है। अब वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें भी आपको मल्टीपल चीजों का आप स्टेटस बना सकते हो, बट हमारा इंटरेस्ट है यार अभी बर्थडे के लिए। सो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे एंड बर्थडे वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। ओके, बर्थडे वाले सेक्शन के ऊपर आप आओगे तो काफी सारे यहाँ पे आपको बर्थडे का टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है। ठीक है, अब कैसे आपको पसंद आएगा, प्ले करोगे देखोगे उसके बाद ही आपको सही लगेगा ना कि हाँ भाई ये जो है वो थोड़ा अच्छा है या फिर ये जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड यार देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, मीन्स ऐड फ्री वाले चीज़ों में ऐड आ जाता है क्योंकि एप्लीकेशन से दो ही तरीके से अर्न करते हैं, एक ऐड से और एक पैसा लेके। तो ये फ्री है तो ऐड तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ये वाला टेम्पलेट मुझे सही लग रहा है। ओके, तो अब इसे यूज करने के लिए क्रिएट के ऊपर हमें क्लिक करना होगा एंड अगेन यार उसी तरीके से हमें फोटो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हो हम मैक्सिमम 9 फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना ही इस बार फोटो सेलेक्ट करता हूँ। ओके,
तो अगर आप चाहते हो कि अरे नहीं मैं 9 फोटोज नहीं ऐड करूँ, उतना ही फोटो में मेरा बन जाए, तो वो भी हो सकता है। जस्ट आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली आपका फोटो को डुप्लीकेट करके, या फिर देख सकते हो यहाँ पे जो ओरिजिनल पहले का फोटोज है वो रहेंगे। अगर आप ऐड करोगे तो सही होगा, आपके फोटोज आ जाएंगे, अदरवाइज जो टेम्पलेट में फोटो है वही फोटोज रहेंगी। ओके सो यार ऐड कर देना, मैंने 4-5 फोटो ऐड कर दिया। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो म्यूजिक चेंज कर सकते हो, जस्ट म्यूजिक के ऊपर आप क्लिक करना एंड यहाँ सेलेक्ट म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके ये आपके डिवाइस में जितना म्यूजिक होगा वो सारे आ जाएंगे। ओके तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और वीडियो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप कर देंगे एंड जो भी क्वालिटी में आपको रखना है वो क्वालिटी आप सेलेक्ट करके जस्ट ओके कर सकते हो। देन आपका वीडियो जो होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। फिलहाल तो मैं इसे एक्सपोर्ट भी नहीं करता क्योंकि यार मुझे नहीं करना है। और इसमें आप देख सकते हो भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि इस टाइप का भी है एंड यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके का आपको स्टेटस मिल जाएगा। बच्चों वाला भी अगर चाहिए तो बच्चों वाला भी मिल जाता है हमें। ओके बट थोड़ा बहुत ऐड देखना पड़ता है, वो कोई बात नहीं है। ओके तो इस तरीके से करके हमारे सेकेंड एप्लीकेशन में भी आप आराम से स्टेटस को क्रिएट कर सकते हो बर्थडे वाला। ओके और देख सकते हो और बच्चों के लिए भी बहुत ही सही वाला है, ठीक है तो आप यूज़ कर लेना। और थर्ड एप्लीकेशन यार हमारा एमबिट, एंड इसे ओपन करो तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, मीन्स स्टार्टिंग में ही आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। ओके तो यार इसे स्किप करके हम अपना मेन काम करते हैं जो कि है स्टेटस बनाना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको हर एक एप्लीकेशन में मिलता था, बट यार हमारा जो इंटरेस्ट है वो बर्थडे पे, तो बर्थडे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देन उसके बाद देख सकते हो इसमें ना बर्थडे स्टेटस बहुत अच्छे वाले है, ठीक है। कोई सा भी टेम्पलेट यूज करने के लिए सिंपली से उसको आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड आप कर लोगे, देन यूज के ऊपर आप क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखा देगा। तो देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो कि ये वाला मुझे ना टेम्पलेट काफी अच्छा लगा था इसलिए मैं डायरेक्ट इसी को यूज कर रहा हूँ। ओके तो ये करना है, देन उसके बाद आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाने वाले, तो सिंपली से आपको एड फोटो के ऊपर टैप कर देना ताकि आप अपना फोटो उसको यहाँ पे एड कर सको। ओके तो मैं जस्ट यहाँ पे पिन्स फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसी में काफ़ी सारे फोटोज हैं मेरे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसे मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद काफ़ी फोटोज है तो इनमें से किसी फोटोज को मैं सेलेक्ट कर आउट कर लेता हूँ। तो इन सारे फोटोज को सेलेक्ट करते देन उसके बाद डन करते हैं, ठीक है। तो फोटोज हो चुकी, अब ऑटो क्रॉप के ऊपर आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्रॉप कर लेगा, काम जल्दी हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुका है। ओके अगर आप चाहो तो टेक्स्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हो, जस्ट एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, बट इस टेम्पलेट के ऊपर यार ये मीन्स नहीं हो पाएगा, ये लिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का देख सकते हो हमारा इजिली स्टेटस क्रिएट हो चुका है। अगर आपको चेंज करना है सॉन्ग तो यहाँ से सॉन्ग को चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपना लैंग्वेज ये सब सेलेक्ट करके जस्ट आप चेंज कर सकते हो, बट सॉन्ग यार काफी सही है तो हम रहने देते हैं। देन सेव के ऊपर क्लिक करते एंड उसके बाद आपको क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट आउट कर सकते हो कि किस में आपको सेव करना है, तो इस क्वालिटी को सेलेक्ट करते एंड उसके बाद हमारा जो वीडियो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ओके तो फाइनल आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो कि, और डायरेक्टली आप अगेन यार वही व्हाट्सएप के पे शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। तो देख लेना इस तरीके से आपका ये स्टेटस बनाना होता है, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा वीड स्टेटस, इसे आप ओपन करो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें भी स्टार्टिंग में आपको ऐड दिखा दे रहा है तो यार चलो स्किप करते क्या ही कर सकते। ओके अगेन इसमें भी आपको काफी सारे ट्रेंडिंग या फिर अलग अलग टाइप का स्टेटस देखने को मिल जाएंगे एंड अगर सिर्फ हमें बर्थडे चाहिए तो बर्थडे वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे बर्थडे का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यार काफी कमाल के मिलते हैं, सो बहुत ही सही एप्लीकेशन है ये भी, तो मैं ना इसे यूज करता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। तो इसे हम सेलेक्ट करते, यूज के ऊपर क्लिक करते, देन थोड़ा सा लोडिंग होगा यहाँ पे, मीन्स डाउनलोड होता है और हमें 11 फोटोज यूज करना है, तो 11 फोटो के जगह पे हम कुछ भी फोटोज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इन फोटोज को सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके करते, इतना भी कर दोगे ना मीन्स 3-4 फोटो भी आप ऐड कर दोगे तो काम यहाँ पे आपका हो जाएगा, मीन्स आपका एक ही फोटो को डबल ऐड कर दिया जाता है। ओके तो इस तरीके से करके सिंपली से आपको यहाँ पे फोटो को चूज करना एंड यार आपका स्टेटस बन के रेडी हो चुका। ओके देख सकते हो बहुत ही ईजिली हमारा बन गया और एक ही फोटो को ये डुप्लीकेट भी कर देता है, मीन्स अगर आप 4-5 फोटो नहीं भी ऐड कर दो तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सॉन्ग अगर चेंज करना है तो आप सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हो। ओके नाउ एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली से एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना एंड थोड़ा सा ऐड देख लेना, देन उसके बाद इसे आप कट करोगे तो आपका जो वीडियो होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्टिंग हो रहा है, एक्सपोर्टिंग जैसे ही हमारा 100% हो जाएगा
वैसे ही देख सकते हो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका। अब इसे अगर आपको रील में डालना है तो रील में डाल सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस में डालना है डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली सारा गैलरी में सेव हो जाता है, ओके, तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन जिसका नाम ही मस्त है, ठीक है, तो मस्त नाम है तो यार इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वाले टेम्पलेट भी हमें देखने को मिल जाएंगे। सो अगेन इसमें भी आपको सारा अलग अलग टाइप का टेम्पलेट मिलता है, बट बर्थडे में हमारे इंटरेस्ट है तो बर्थडे में आते, और रियली बता रहा हूँ यार ये मस्त नाम है ना इस एप्लीकेशन का, उसी तरीके से इसमें मस्त मस्त टेम्पलेट भी है। जैसे कि देख सकते हो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो कुछ इस टाइप का टेम्पलेट है, HDR इफेक्ट के साथ ये यार लिरिक्स आ रहे बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप का ये है। अब इसे यूज़ करना है तो मैं एक वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड यहाँ पे जस्ट इसे अलाउ कर देंगे ताकि ये हमारे फोटोज को ले सके, देन उसके बाद वो फोटोज को सेलेक्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोज सेलेक्ट करता हूँ, सो फोटो सेलेक्ट हो चुकी है, नाउ ओके करते हैं, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे जो वीडियो है वो परफेक्टली क्रिएट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो हैप्पी बर्थडे आया और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो होगा वो फोटो जा रहे हैं, काफी कमाल के लग रहा है यार, बहुत ही सही लग रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, म्यूजिक यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके, ओके। नाउ एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट उससे पहले ना यहाँ पे क्लिक करके आपको क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद एक्सपोर्ट करना, तो बहुत ही ईजिली इसे एक्सपोर्ट कर पाओगे एंड आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो यार इस तरीके से हमारा पांच का पांचों एप्लीकेशन कंप्लीट होता है जिससे कि हम व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं बर्थडे के लिए। आई होप आपको सारा एप्लीकेशन पसंद आएगा, और जो आपको पसंद है ना उसे को आपको डाउनलोड करके यूज करना, पांचों को तो मैंने दिखा दिया। आप बोलोगे भाई सबसे अच्छा कौन सा है, तो यार मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो है आपको लिरिकली एंड वीडियो ये दो एप्लीकेशन को आपको यूज करके देखना काफी सही वाले, ठीक है। अगर इन सभी में बोला जाए कि अच्छा कौन है तो मुझे यही लगा था लिरिकली एंड वीडियो, ओके। तो वीडियो यहीं पे होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।